होटल भाई कहाँ से पकड़ के लाए हो इस टीम को, मार मार के भूत बना दिया सबको। सबका पीओवी मांगता है हम ऑडियंस को, बस जो भी हो ढोल बजा दिया सबका। इन 5 प्लेयर ने सारे क्लचर्स हैं। शुरू की प्लेस, थैंक यू सो मच बड़ी, वी डोंट जज येट, अभी मतलब शुरुआत किया है। इट शुड बी कंसिस्टेंसी दैट शुड मैटर। ओबैद ने पिक ऑफ किया है जली को एंड यहां पे मुश्किल होने वाला है ओएस के लिए। सोल प्लेयर 4 जिन्होंने काफी बेहतरीन क्लच रन किए थे वो यहां पे आ चुके हैं। इसका भी हमारी मैच सिनेरियो मुश्किल रहने वाला है। ओएस को पिक ऑफ किया है, टीम सोल इज बैक इन एक्शन, पिक ऑफ किया जाएगा। बाकी प्लेयर्स सभी तरह सिनेरियो में ऐसे डिसएडवांटेज में, प्री मैच्योर आपको भी समझ में आ रहा हो कि यहां पे अगर एडवांटेज होता भी तो क्लच आउट करना काफी ज्यादा मुश्किल रहता। हां, ग्लोबल स्पोर्ट्स सांगवान, अभी से ही आपको प्रोन बनने की जरूरत नहीं थी यहां पर होना। यानी देखिए आप, चलिए आपको लग रहा था कि आप यहाँ पर बच जाएंगे, बट ये खिलाड़ी के पास तो अच्छा एडवांटेज है जिसकी वजह से यहाँ पर प्लेयर जीरो ने उनको इंस्टेंटली नॉकआउट करा। दो बेहतरीन सफलताएं मिल चुकी है, बट जल्दी से निकलना पड़ेगा यहाँ पर टीम जोलो की। नहीं निकले तो वहां पर ऑलरेडी तैयार है वो टीम फॉरएवर तैयार है वहां पर गेट कीप करने के लिए उनके लिए। और लेट्स फाइंड आउट कि क्या ब्रिज का सहारा लिया जाएगा या फिर बोट रोटेशन हमें देखने को मिल जाए। बट टीम गॉट पर की मुश्किलें ग्लोबल स्पोर्ट्स के लिए बढ़ती नजर आ रही है। तीसरी सफलता भी इनको मिलती नजर आ रही है और एक एक करके अगर देखिए जितना डेली दिखाएंगे उतना मुश्किल। लेकिन स्लेयर अभी भी उम्मीद जारी है, क्लच स्पेशलिस्ट है अपनी टीम की तरफ से। लेस पॉइंट आउट इस यूएमपी 45 से दूसरा खिलाड़ी भी निकाल सकते हैं कि नहीं, लेकिन कैसे ही बड़े आगे कुचल दिया चाहता, बट बाल बाल बचे यहाँ पर। कौन सी टीम सोले इतना ज्यादा अग्रेशन, घुस घुस के हर एक टीम को एलिमिनेट किए जा रहे हैं। ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो 4 फिनिशर्स पॉइंट के आसपास इनके पास नहीं करेंगे, पर जोन का डैमेज जैसे श्रिंकिनों के नए जोन में चिपकेगा काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। लेकिन सामने खिलाड़ी भी इंतजार कर रहे हैं, ड्रिगर के पास एक बढ़िया मौका 1v2 निकालेगा क्योंकि दोनों खिलाड़ी अगर आप देखें डैमेज होकर रखे। लेकिन ड्रिगर के ऊपर ये जो प्री फायर किया गया, प्लेयर 2 भी आगे बढ़ेंगे, फोन हुए जरूर है लेकिन क्या इसकी जरूरत थी कि नहीं, बट अभी भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तीनों खिलाड़ी एक टीम वर्क हमें देखने को मिल जाए तब मुश्किल रहेगा। लेकिन बिलीव भी आ चुके हैं और शायद ये कर सकते हैं गेम से बाहर, कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको एग्जैक्ट नहीं पता है कहां कहां पर टीम जोन के खिलाड़ी। और जो मैं बात कर रहा था, अगर प्लेयर 1 भी साथ में रहते तो शायद यहाँ पर टीम सोल बच सकती थी, बट अभी के लिए सॉरी प्लेयर जीरो की बात करते अगर वो साथ रहते, बट अभी के लिए वैकेंसी तो चलिए मिल जाएगी। लेकिन अभी भी एक उम्मीद कायम है यहाँ पर प्लेयर जीरो के रूप में, अभी भी एक उम्मीद बची हुई है और टॉप 7 में तो अपनी टीम को लेकर आ चुके हैं। लेकिन सांगवान की बात की जाए, वैकल्स इनके पास है, अब लिया गया है डिसीजन तो आगे बढ़ेंगे जरूर, लेकिन अब रुकना नहीं है, अब एक दूसरे के अगेंस्ट पे रुकना नहीं है क्योंकि रुक गए तो मुश्किलें पड़ेगी। लेकिन प्लेयर जीरो ने यहाँ पर एक फेक खेला, उनने सोचा कि यहाँ पर सागवान को लगा कि प्लेयर नहीं रुकेगा, वो भी अपने आप को बचाते नजर आएगा, बट फर्स्ट एड किट्स थी उसके लिए।